अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आ गई, उस पर मैं अभी मैं शॉर्टकट में बात करके जो है वो कंप्लीट करूँगा। कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं डिटेल थोड़ा सा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, कि यूट्यूब पे लाइव अपना वो कर लूँगा, ताकि होता ये है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो अपलोड नहीं हो पाती भाई, फिर मसला होता है, मेरे ज़ाया होती है। अच्छा, अभी शॉर्टकट में ये सुने कि ठीक है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गए बिलाखिर, और जो एक डर था वो चीज़ जो है वो न्यूज़ बन गई। ठीक है, अच्छा मार्केट ऑलरेडी 2 दिन में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक शार्प डिक्लाइन आया है। फ्राइडे का जो हाई था फर्स्ट सेशन का, वहाँ से आज ऑलमोस्ट जो है 900 पॉइंट की एक मूव मार्केट ने ले ली। अच्छा, जो स्क्रीन थी वो पिछले 6-8-10 दिन से ही ये चीज़ दिखा रही थी और डरा रही थी, जिस बात पे मैं भी जो है वो थोड़ा सा वो गुस्से में था पिछली वीडियोस में, थोड़ी सी कोशिश कर रहा था बड़ास निकालूं, क्योंकि इनका फेल्यूर नज़र आ रहा था। 3 साल जो कुछ आपने किया उसमें, या आगे की जो आपने प्लान्स शेयर किए हुए हैं अपनी बजट स्पीच में, अब थोड़ी सी उसकी दोबारा से जो है ना वो रिव्यू करना पड़ेगा और उसकी क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। उसको मीडिया पे आके इन्वेस्टर को ये बताना चाहिए कि अब उन बातों का क्या होगा जो बातें बजट स्पीच में हुई थी, ग्रोथ और जो है वो बिजनेस इस तरफ। ठीक है, मकसद वही है लास्ट वीडियो में जो मैंने एक बात की थी कि देखते हैं और कितनी बातें ये मानते हैं। बेसिकली बिजली की प्राइस बढ़ना, पेट्रोल की प्राइस बढ़ना और आज का ये डिस्काउंट रेट, ये क्लियर इंडिकेशन है कि हम IMF की तरफ जा रहे हैं। IMF से जो मीटिंग है वाशिंगटन में वो है नेक्स्ट मंथ, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन नेक्स्ट मंथ है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे, क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए कुछ चीज़ों की कि अब इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट को सर जोड़ के बैठना तो होगा कि स्टेट बैंक ने जब ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, तो मैं अक्सर अब मेरी अक्सर जब भी डिस्काउंट रेट का कोई टॉपिक अगर होता है तो मैं अक्सर ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि मेरे लिए 25 बेसिस, 50 बेसिस, 100 बेसिस ये मैटर नहीं करता, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ ये है कि ट्रेंड अपवर्ड हुआ, 25 से भी कम होते ना अगर तो भी एक ही बात थी। अच्छा, मार्केट को थोड़ा सा जो है वो डीप एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसलिए मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जा रहा। कल इंशाल्लाह लाइव आऊँगा यूट्यूब पे तो उसमें डिटेल समझाऊँगा। 500 अराउंड तकरीबन 528 मार्केट की क्लोजिंग आई है, 46,528, 47,400 अब ये समझ लें कि पक्की रूफ है। इसमें ही मार्केट अब आपको इस तरह के मौके देगी कि हमें कुछ चीज़ों को शफल करना होगा, क्योंकि एक अभी स्टेप हुआ 25 बेसिस पॉइंट। अब देखते हैं कि IMF के पास जाते जाते और क्या कुछ होना है और इन्फ्लेशन फिगर्स हमारी क्या आएंगी, डॉलर रुपी का मामला किस तरह से सेटल होगा और किस स्पीड से अभी जाना है या रुकना है, तो ये 2-4 दिन और लगेंगे। मुझे लगता है कि कल के दिन या शॉर्ट टर्म के अंदर 1-2 दिन के लिए डिप पे बाय करके काम करना चाहिए, क्योंकि ये 25 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट ये मार्केट डिस्काउंटेड है। तो अगर यहाँ से सुबह मार्केट खुले और 200-300 पॉइंट का कोई अगर डिप मिलता है तो 46,100 को ही इस वक्त जो है जहन में रखें, लिख के रखें, भूले नहीं, क्योंकि भूलने से नुकसान अपना ही है फिर। ठीक है, लिख के रखें कि अगर इसके नीचे कभी अल्लाह ना करे क्लोज आ रहा होगा तो हमें डरना है और फिर मार्केट से सोचेंगे। अभी फ़िलहाल वो लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर वहाँ कहीं मौका कल मिलता है मुझे तो मैं एक दफ़ा बाय साइड पे बैठ के एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। ये हो गई सिर्फ कल के दिन की बात कि अगर बाजार नीचे मिलता है कल लेके काम करना चाहिए, डिस्काउंटेड है। डिटेल में कल इंशाल्लाह यूट्यूब पे लाइव आके कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी। देखें, अभी मैं मुझे मज़ा नहीं आएगा अगर मैं कोई चीज़ शॉर्टकट में बोल दूँ कि ये यूँ है, तो वो लोग उसको 4 गुना मल्टीप्लाई करके अपने दिमाग में उसको कैलकुलेट करने लगते हैं। तो जो चीज़ जितनी है वो उतनी समझाऊंगा पहले कि ये इतनी ही है, इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर इसको देखना चाहिए। नेगेटिव तो देखें हुआ है और इससे कुछ नहीं होगा कि घबराया जाए या टेंशन ली जाए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में टेंशन लेने वाली कोई बात है, मार्केट का ट्रेंड टूटा है, पहले ही टूट चुका है, अब वो न्यूज़ भी सामने आ गई।
थोड़ा सा 2-4 दिन में मार्केट और भी क्लियर कर देगी चीज़ों को। कल बाय में बैठते हैं डिटेल में इंशाल्लाह, जो है ना ऑफिस आवर्स में ही मैं किसी वक्त लाइव आके वो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से डिटेल में करता हूँ। थैंक यू।